नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने टच लाइव ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं हमारे लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है और खाना जल्दी पच जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इस प्रकार से हम कुछ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे कहा जाता है फल भोजन करने के बाद खाना चाहिए, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों जानते हैं कि खाना खाने के तुरंत पहले या खाना खाने के बाद हमें फल नहीं खाना चाहिए। इससे गैस की समस्या बन जाती है। चाय कॉफ़ी न पिए। जो लोग चाय कॉफ़ी के शौकीन होते हैं वे खाना खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं। इसके चाय पीने से चाय बोलकर भी नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी अक्षमता से अधिक खाना खा लेते हैं और फिर खाना खाने के तुरंत बाद बेल्ट ढीली करते हैं। ऐसा करने से शरीर की पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और खाना ठीक प्रकार से नहीं पच पाता। इस प्रकार से हम कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो किसी भी समय स्मोकिंग करना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन कुछ खाना खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद सोना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से भोजन का पाचन क्रिया ठीक नहीं होती और मोटापा और गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों, हमें खाना खाने के तुरंत बाद कुछ सावधानियां बरतकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। धन्यवाद।